हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जब तक राजस्थान में नहीं बदलेगी सरकार, मेरा रात का खाना बंद है। राजस्थान भाजपा अध्यक्ष सतीश पुनिया की शपथ। राजस्थान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने कहा कि प्रदेश में जब तक पार्टी सत्ता में नहीं आती, तब तक वो माला और साफान नहीं पहनेंगे। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पुनिया ने शाम का भोजन नहीं करने की भी प्रतिज्ञा कर डाली। रैली को संबोधित करते हुए पुनिया ने कहा, मैंने संकल्प लिया है कि जब तक 2023 में राजस्थान में हम लोग कांग्रेस पार्टी को जड़ से नहीं उखाड़ दे और भाजपा की सरकार को प्रचंड बहुमत से नहीं बना दे, तब तक माला नहीं पहनूंगा, साफा नहीं पहनूंगा और शाम का भोजन नहीं करूंगा। बता दे कि प्रदेश में अगले साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं। साफा राजस्थान में पारंपरिक पगड़ी को कहते हैं, जिसे नेता सार्वजनिक कार्यक्रमों में सांस्कृतिक के प्रतीक के रूप में पहनना पसंद करते हैं। पुनिया ने विश्वास जताया कि वे 2023 में राजस्थान में भाजपा की सरकार बनाएंगे। एक बयान में उनके हवाले से कहा गया है, हमें पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल और मजबूत नेतृत्व व लोकप्रिय नीतियों के साथ राजस्थान में 2023 में भाजपा की प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनेगी। पुनिया चुनाव प्रचार के सिलसिले में पिछले दो दिन से उत्तर प्रदेश में है। बता दें कि 2014 में राजस्थान में लोकसभा चुनावों में कांग्रेस की हार के बाद कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने भी राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने तक साफा नहीं पहनने का संकल्प लिया था। दिसंबर 2018 में राज्य में कांग्रेस के सत्ता में आने पर ही पायलट ने साफा पहना था। जागरूक टीवी की अलीगढ़ से खास रिपोर्ट।